ने चिल किया कि एक मिनट लो आराम से शील्ड वगैरह हटा के पसीना वसीना पहुँचो सेट हो जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो फिर वो पूरा इंट्रो देते हैं, वो मेंबर्स को बताते हैं। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया सीधा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाह रहे हैं, तो क्या समस्या है इसमें और कैसे मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का तरीका तो आता नहीं था, तो मैंने सर को बता दिया। मैंने कहा सर अभी तो डेटा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बेस डेटा है वो ये है। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अभी मैं यूपीएससी भवन हूँ और यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज हम तमाम स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे कि आपका इंटरव्यू किस प्रकार रहा और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा, और इंटरव्यू देने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इंटरव्यू में जाने से पहले उनको किस प्रकार फील होता है, देन उसके बाद में वापस आते हैं तो किस प्रकार फील होता है। बहुत सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम यूपीएससी भवन के आगे खड़े हैं और सर अभी इंटरव्यू दे के बाहर आए हैं। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैंने IIT दिल्ली से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में डुअल डिग्री करी है। 5 साल का कोर्स है, बीटेक प्लस एमटेक। सर आपका यूपीएससी कौन सा अटैम्प्ट था ये? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था वैसे, और 3rd सीरियस अटैम्प्ट था जी। सर आपने इंटरव्यू तक कितने अटैम्प्ट इंटरव्यू तक पहुँच गए आप? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। पिछले साल भी आपने अटैम्प्ट दिया और इस साल भी अटैम्प्ट दिया, सर दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? यार लास्ट टाइम ऐसा था कि मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे और मॉक इंटरव्यू में ऐसा था कि फीडबैक बहुत गंदा होता था उनका जी। तो उन्होंने ऐसे फील करा दिया कि कुछ आता ही नहीं है। इस बार मैंने मॉक इंटरव्यू 1-2 ही दिए और मैंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा, और जो इंटरव्यू हुआ ना वो बहुत ही चिल इंटरव्यू था, मतलब कोई स्ट्रेस था ही नहीं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया मॉक इंटरव्यू दिए, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है? रात दिन का फ़र्क है, आकाश पाताल का फ़र्क है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब लोगों को मॉक इंटरव्यू देके कॉन्फिडेंट लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। मैं ऐसा कहूँगा सर, जिस टाइम आप इंटरव्यू देने गए थे उस टाइम आपको किस प्रकार फील हो रहा था? थोड़ा सा नर्वस था, बट एट द सेम टाइम क्योंकि लास्ट टाइम दिया था तो थोड़ा पता भी था कि चिल इंटरव्यू होगा, और फिर मेरा बोर्ड भी जो भोंसले सर हैं उनके लिए कहा जाता है, वो बड़े चिल पर्सन है। अच्छा। तो वो आराम से कंफर्टेबल करते हैं पहले जी। सर जैसा कि आप एकदम तैयारी करके गए, आपको पता था इस डायग्राम बना के आपने कि मुझे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या वैसे ही पूछे गए या अलग पूछे गए? यार थोड़ा आइडिया तो था क्योंकि डेफ से ही मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ है, तो मेरा डेफ में एक, मैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जॉब करता हूँ, मेरा बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, अभी कोविड चल रहा है और वैक्सीन वगैरह पे इन्हीं के आसपास घूमा। कुछ क्वेश्चन हॉबी से थे और एक ऑप्शनल है मेरा हिंदी साहित्य है, तो उससे कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा। बाकी बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं किया, डेफ पे ही था मेरा पूरा इंटरव्यू। सर शुरुआती क्वेश्चन क्या थे आपके? शुरुआत में यार जैसे पहले तो जाते ही मौसले सर ने चिल किया कि एक मिनट लो आराम से शील्ड वगैरह हटा के पसीना वसीना पहुँचो सेट हो जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो फिर वो पूरा इंट्रो देते हैं, वो मेंबर्स को बताते हैं। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया सीधा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाह रहे हैं, तो क्या समस्या है इसमें और कैसे मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का तरीका तो आता नहीं था, तो मैंने सर को बता दिया। मैंने कहा सर अभी तो डेटा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बेस डेटा है वो ये है, तो सर उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ाऊँगा। सर आपका यूपीएससी में जाने का मेन मुख्य मकसद क्या है? यार देखो यूपीएससी ऐसा है कि सिविल सर्विस, मतलब कॉलेज के टाइम पे मैंने, क्योंकि करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर प्रोग्रेशन अच्छा है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मिलता है, और फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो मेन मकसद तो वही है, डेफिनेटली सोशल एंगल भी जुड़ता ही है जो प्रेस्टीज वाला है वो भी। सर आप अभी क्या उम्मीद लगा सकते हो कि आपको किस रैंक तक मिल सकता है? रैंक का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे मेरे, ये मुझे लगता है, ये गट फीलिंग है मेरी। अब देखो कितना क्या आता है। जैसे कि आपने बताया आपने 5 अटैम्प्ट दे दिए इतनी लंबी यात्रा के दौरान, फिर भी अपने आप को आपने मोटिवेट रखा, ये सबसे बड़ी बात थी आपने, वो किस प्रकार रखा? यार देखो मैंने क्या करा था, कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही मैंने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए CGL का एग्ज़ाम दे दिया था, और मैंने अगले ही साल ज्वाइन कर ली थी वो सर्विस, तो मैं अभी सर्विस भी कर रहा हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मैंने शुरू के 2 अटैम्प्ट तो ऐसे ही सर्विस के साथ दे दिए, कोचिंग चली रही थी मेरी, लेकिन जो 3rd अटैम्प्ट ऑनवर्ड्स था वो मेरा सीरियस अटैम्प्ट था, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास एक बैकअप है, मेरे को फाइनेंशियल टेंशन नहीं है, तो मैं अपने उस पर्सपेक्टिव से एक मोटिवेशन रहता है कि ठीक है मैं जो भी करूँगा वो इससे तो अच्छा ही करूँगा, तो वो एक। सर इसकी जो यूपीएससी है या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम स्टेट PCS है, सर इसकी जो शुरुआत कब से करनी चाहिए अपने को, स्कूल के 12th के जस्ट बाद या कॉलेज के 3 साल या ग्रेजुएशन के समय? यार देखो इशू ये होता है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं होता है कि करियर कौन सा चूज़ करना है। जैसे हम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमको तो बिल्कुल नहीं पता होता, इंजीनियरिंग में आके देखते हैं कि ये भी एक दुनिया है,
वहाँ आके मतलब अगर किसी स्टूडेंट को पता चल गया कि उसको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरे ख्याल से उसको सेकंड या थर्ड ईयर से तो कर ही देना चाहिए, थर्ड ईयर से शुरू, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने सिविल्स निकाला है, तो मेरे ख्याल से वो किया जा सकता है। बट बाद में भी अगर कोई करता है, बाद में भी डिसाइड करता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सर आपने बताया कि आपने 5 अटैम्प्ट दे दिए, सर ऐसी क्या गलतियाँ रहेगी जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? यार 2 अटैम्प्ट तो मैंने हवाबाजी में दे दिए थे, ऐसे ही ट्रायल ही चल रहा था, थर्ड अटैम्प्ट में प्री नहीं निकला, 0.6 नंबर से रह गया। लेकिन उसके बाद जो 4th अटैम्प्ट रहा उसमें मेरे मेंस में कट गया, मेंस में मार्क्स बहुत कम थे, मेंस में बस जस्ट कट ऑफ क्लियर करी थी, तो कहीं ना कहीं मैंने जो राइटिंग स्किल्स थी मेरी उसको इस बार इंप्रूव करने की कोशिश करी है, साथ ही इंटरव्यू में भी जो थोड़े कम रहे तो वहाँ पे भी इंप्रूव किया, और इस बार मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। सर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा हिंदी साहित्य था। अच्छा, हिंदी मीडियम से हो जी। सर बहुत सारे लोग बता रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट नर्वस है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट मतलब हर साल डाउन होता जा रहा है, कि ये बात सही है? आपको क्या लगता है इसके संदर्भ में? डाउन तो हो रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ये कहूँगा कि मैंने दूसरा मेंस लिखा था इस बार और मैं दूसरे इंटरव्यू तक आया हूँ, और मैं क्योंकि जॉब के साथ भी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं दे पाता, मैं एक मीडियम अमाउंट ऑफ मेहनत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो आ सकता है। हाँ कुछ देखो बायस तो होता ही है, जो चेक करने वाला है भी वो भी अगर इंग्लिश वाला माइंडसेट लेके बैठेगा तो समस्या तो आती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि आप सिलेक्शन ना ले सको। ये सर इस जर्नी के दौरान कोई बताते हैं 17-18 घंटे मतलब पढ़ना चाहिए, क्या ये बात सही है? आप कितना घंटा टाइम देते थे इसमें? यार भाई साहब देख, जॉब करता हूँ मैं, और जॉब के बाद में मेरे पास वीकेंड बचता है, सैटरडे संडे, उसको मैं ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा डेली मेरे ख्याल से 4 घंटे से ज़्यादा, 4 या 5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मेरे पास क्योंकि जॉब करने के बाद थक जाता है, तो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई मैं कर पाता हूँ, बट सैटरडे संडे या जो भी मुझे छुट्टियाँ मिलती उनको मैं पूरा ढंग से यूज़ करता हूँ। तो वो चीज़ है कि अगर डिसिप्लिन है आप तो करी जा सकती है चीज़ें। सर बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े और गांव में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन जो दिल्ली या जयपुर नहीं आ सकते, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए? यार मतलब कोचिंग मैंने करी है, और मैं कोचिंग के बाद फीडबैक ये है कि कोचिंग में वेस्ट ऑफ टाइम है जी। अगर आपके पास सही गाइडेंस है ना, तो अभी तो क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो ऑनलाइन मतलब गाइडेंस है आजकल यूट्यूब पे, आजकल ये एजुकेशन का ज़माना है, तो गांव में रह के या दूसरी जगह भी रह के तैयारी हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने इनफैक्ट अपना ऑप्शनल बिना कोचिंग के तैयार किया है, हिंदी साहित्य पूरा, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है हिंदी साहित्य, करा जा सकता है। सर इसमें बता रहे कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत योगदान होता है, आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी क्या? यार मैंने फ्री में मिलती थी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, तो वो दे ली थी, बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं खुद से आंसर राइटिंग करता था और अपने जो दोस्त हैं उनको चेक कराता था, तो वो मेरी कमियां बता देते थे जो ऑलरेडी सर्विस में या ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, उनको मैं चेक करा देता, तो वो सेम ही चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे तो आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर कोई और अल्टरनेट होना चाहिए आपके पास, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। सर ये आपके जो फैमिली में UPSC नाम या RPSC जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, ये खौफ कहाँ से आया आपको, मुझे इस क्षेत्र में ही जाना है? यार देखो मतलब मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं है सिविल सर्विसेज में, एक मेरे अंकल हैं वो मतलब कहे जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, बट UPSC RPSC में तो नहीं है वो। मैं कॉलेज में आके मतलब जब चीज़ें पता चली, मैं अपने सीनियर्स को देखता था कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पता चला कि ये भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और यहाँ सक्सेस मिलती है लोगों, तो फिर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ा। अच्छा सर बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हैं, तो अभी कॉलेज पर फोकस करना चाहिए या इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तरफ? यार पहले 2 साल तो कम से कम कॉलेज पे करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ भी CGPA इम्पोर्टेंट होती है या जो भी परसेंटेज इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अभी जैसे इंटरव्यू के दौरान ही मेरे जब बता रहे थे तो बता रहे थे कि आपके कॉलेज के दौरान बढ़िया है, आप निरंतर प्रोग्रेस कर ही रहे हो, तो ये एक सेट करता है कि आपने कॉलेज के टाइम सीरियसली थोड़ा पढ़ा है वो, क्योंकि इधर भी इम्पैक्ट करती है वो चीज़ें, तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछें कॉलेज में आपने ध्यान दिया हो या नहीं हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन कॉलेज वाले सब्जेक्ट से जरूर पूछेंगे। तो ये सर अब बात करते हैं NCERT की, बोलते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है NCERT, क्या सर आपने NCERT फॉलो की? NCERT फॉलो की तो किस प्रकार आपने पढ़ा उसको? यार मैंने NCERT लिमिटेड ही की है, जैसे ज्योग्राफी की NCERT मैंने पूरी पढ़ी है, इसके अलावा जो इकोनॉमी के कुछ सेलेक्टिवली पढ़ी थी, और जो ओल्ड वाली NCERT है RS शर्मा वगैरह वो मैंने पढ़ी थी यार, तो मैंने कुछ सेलेक्ट करके टॉपिक्स उनमें से पढ़े थे, बाकी ऐसे पूरा एंड टू एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा NCERT में। सर आपने नोट्स बनाए थे, वो नोट्स किस प्रकार बनाए? यार नोट्स मैंने क्या है कि वो एक जो कोचिंग ज्वाइन करी थी ना मैं बता रहा था, तो उसी के नोट्स को बेस बनाया मैंने, फिर अपनी चीज़ें ऐड करी, जैसे जैसे करंट से आता मैं अपडेट करता जाता, हालांकि वो नोट्स इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने चीज़ें ऐड करी ना वो रेलेवेंट है, तो उस वजह से मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, उन्हीं में ऐड ऑन करता जाता हूँ, क्योंकि टाइम तो मैंने दिया ही था ना वही। सर
आप जैसे कि लक्ष्मीकांत ऐसी बुक्स बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत है, नितिन सिंघानिया, ऐसी कोई टॉप बुक्स बताइए जो अभी ट्वेल्थ की जस्ट बाद तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। यार ट्वेल्थ के बाद वालों को तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो पहले तो, क्योंकि आइडिया लो, जनरल आइडिया जीएस का उनके लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक तब होती है जब आपको बेसिक चीज़ें आती हैं और आपको तब लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने का फ़ायदा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट समझना कैसे चीज़ें काम करती है, वो सब चीज़ें एनसीईआरटी से बढ़िया समझ में आती है। तो मेरे ख्याल से जो ट्वेल्थ के जस्ट बाद अगर सोच रहे कोई तो पहले इन्हीं को बेस बनाना चाहिए, इन्हीं को बार एक दो बार पढ़े, उसके बाद आगे वाली चीज़ों का सोचें। मेरा सर आशा करते हैं कि आप एक अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हो और अपने राज्य और देश का नाम